सिम शैक पे एडमिनों के द्वारा डाउन किया गया ट्रॉय को, सिम के द्वारा ट्रॉय का कंफर्मेशन, और कहा था ये चीज कि अगर बेटी वहां पे टीम गॉड लाइक तो एंटिटी निकल तो नहीं सकती। क्योंकि कार्निवल गेमिंग काफी ज्यादा कंफर्टेबल है इसमें, लेकिन अभी भी काफी सारी टीम्स हमें मौजूद नजर आ रही है। ज्यादा खिलाड़ी है कार्निवल गेमिंग के, ओमेगा को डाउन कर दिया गया, लेकिन मेडल स्पोर्ट के सिलेम शेडी सामने आएंगे। गॉबलिन को उनकी पोजीशन का अंदाजा है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अगर वहाँ पे ग्रेनेड डाला गया तो एक और फिनिश इनके खाते में आ जाएगा। और ये देखिए ग्रेनेड गया तो है पड़ेगा, जी हाँ, बूम गोज द डायनामाइट, डाउन गोज द टीम मेडल। और कार्निवल गेमिंग अब आगे फाइट में बढ़ेगी, टीम गॉडलाइक विद 3 men सर्वाइविंग, कार्निवल गेमिंग दे हैव द एडवांटेज ऑफ हाइट, लेकिन फ्रीक्वेंसी ई स्पोर्ट्स ग्रेनेड्स का प्रयोग करेगी। गॉबलिन ने पीछे सूरज को डाउन तो किया, लेकिन अभी गॉबलिन एंड अक्षर बचे हुए हैं, तीन खिलाड़ी। एक और प्लेयर को डाउन करते हुए क्लच शॉट, कृष्णा जॉर्ड लास्ट में सर्वाइविंग फ्रॉम द फाइनल फ्रीक्वेंसी ई स्पोर्ट्स। देखना यह है कि कहां तक वो लेके जा पाएंगे इस गेम को, बट वहीं अगर हम चर्चाएं करें कार्निवल गेमिंग की, इनके पास काफी फ्रेशेज आ चुके हैं। अक्षत की वो ग्रेनेड जिसने कृष्णा जॉर्ड के ऊपर भी करेक्शन ढूंढा, दो टीमें आपको मात्र बची दिखेगी, टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम कार्निवल गेमिंग। और हिल का इलाका तो कार्निवल गेमिंग के पास है, नंबर्स का गेम वो कार्निवल गेमिंग के पास है, यहां से इस पूरी फाइट को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल नहीं। चले नंबर गेम का बराबरी, बट गॉबलिन इस तरीके से ओपनली उतरने की कोशिश बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब नंबर्स गेम का एडवांटेज है, वो टीम गॉडलिक के हाथ में जाता दिखेगा। नियो की पोजीशन रिवील है, ग्रेनेड आएगा स्पेस पर, देखेंगे अक्षत वो आखिरी खिलाड़ी, अक्षत अपने क्लच फॉर्म में वापस आना पड़ेगा अगर यहां से गेम को चाहते कनेक्शन हुआ है। बट नहीं, टीम गॉडलाइक कैसे, हाइट एडवांटेज नहीं था आपके पास, आपको ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा, प्रिसाइज ग्रेनेड्स